अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरियम मुश्तबा। आज के प्रोग्राम एहसानुल कसस के साथ हम फिर हाजिर होते हैं। आज का हमारा वाक़िया है हज़रत उम्मे सलमा अलैहिस्सलाम का। वो रसूल खुदा की एक ज़ौजा थी। जब भी कोई भी कहीं जाता था सफ़र पे तो उनके पास अमानतें रख पाता था। जैसे जब मौला अली ने इरादा किया इराक़ जाने का तो उन्होंने कुछ खतूत और कुछ वसीयतें उनके पास रखवाईं, जो कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम जब उनके पास गए तो उनको मिली। ऐसे ही इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी जब जा रहे थे तो उन्होंने भी कुछ खतूत और वसीयतें रखवाई थी उम्मे सलमा के पास। तो उम्मे सलमा अलैहिस्सलाम वो खतूत और वसीयतें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दी थी। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब करबला जा रहे थे तब उन्होंने भी कुछ खतूत और वसीयतें उम्मे सलमा को रखवाईं, जो कि चौथे इमाम इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम जब उनकी शहादत के बाद वापस आए तो उम्मे सलमा ने उनको दी। इसी तरीके से जब रसूल खुदा जा रहे थे तो रसूल खुदा ने भी उनके पास कुछ अमानत रखवाई थी, जो कि उन्होंने कहा था कि जब कोई ये निशानियां बताएगा तो तुम उसे ये अमानत सौंप देना। तो जब रसूल खुदा की शहादत के बाद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जब खलीफा सोन के दौर के बाद उनके पास सब बैत करने के लिए जब आए तो उम्मे सलमा का एक बेटा भी आया था जिसका नाम उमर था। तो उसने भी मौला अली से कहा कि मेरी वालदा के पास कुछ अमानतें हैं जो रसूल खुदा देके गए थे, वो किसके सुपुर्द करनी है। तो फिर मौला अली अलैहिस्सलाम जब वहाँ उम्मे सलमा के पास जाते हैं और उनको वो निशानियाँ बताते हैं। फिर रसूल खुदा ने जो अमानत रखवाई थी वो उम्मे सलमा ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को दी और अपने बेटे से भी कहा कि तुम इन्हीं की खिलाफत करना, क्योंकि रसूल खुदा जब जा रहे थे तो वो इनको अपना जानशीन बना के गए थे मौला अली को, तो तुम भी मौला अली को अपना मौला समझना। तो उनके बेटे ने भी मौला अली की ही बैत की थी। तो इस वाक़े से हमें ये मालूम होता है कि कोई भी आपको कुछ भी अमानत रखवाए तो आपको उस अमानत को हमेशा अपने पास रखे रहना चाहिए, जब तक कि वो अमानतदार आके उस अमानत को ना ले जाए। उम्मे सलमा ने जितनी भी अमानतें थीं वो सब उन तक पहुँचाई और उनके बेटे ने भी यही काम किया। अपनी माँ का जो कहावत था उस कहने पे चलते हुए मौला अली को वो अमानत दे दी और ख़ुद वो अमानत नहीं रखी। तो हमने ये देखा कि बीबी सलमा कितनी ईमानदार थी और उनका बेटा भी उन्हीं के रास्ते पे चलता हुआ कितना ईमानदार रहा। आज की स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। अगली स्टोरी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।